हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक शेयर के बारे में। यस दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जिनके शेयर होल्डर्स को शायद से लॉटरी भी लग सकती है। अभी लगी गई या नहीं, ये तो हम लोगों को कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर पता चलेगा। बट ऐसा बोलने के पीछे का बात क्या है, लॉजिक क्या है, वो ही इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इस शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हो, वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर ज़रूर स्टडी भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कौन सा वो स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, एंड ऐसी बात बताने के पीछे की वजह क्या है, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके देखेंगे, तो आप लोगों को ये सारी वजह यहाँ पे पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, SMKC चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे दो वीडियोज़ अभी अभी अपलोड किए, उनको भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, लिंक इसकी भी नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक कंपनी थी जो कि लैबोरेटरीज से रिलेटेड उनका बिजनेस है, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, जिस कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पेश किए, लगभग 1000% से भी ज़्यादा उनके जो प्रॉफिट थी उसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली, EPS में ग्रोथ देखने को मिली। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त शेयर में जंप देखने को मिली, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने अपने शेयर होल्डर को एक जिनके पास शेयर रहेगा उसके बदले उनको 5 यहाँ पे स्प्लिट मिल जाएंगे, वो भी न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी। मैं उस शेयर के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको नाम पता है लोरिस लैब, बट ये शेयर के बारे में एग्जैक्टली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे कंपनी की बात कर रहा हूँ, बट इसको बेस लेके कर रहा हूँ। यस दोस्तों, इस कंपनी ही बहुत ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर को अभी अनाउंसमेंट के साथ बहुत ही खुश कर दिया था। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो इस कंपनी के बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, वो भी हम लोगों को फार्मा सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल फार्मा कंपनीज किस तरीके से यहाँ पे चल रही है, निफ्टी का भी अगर आप फार्मा देखोगे तो सारे कंपनीज आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पे 95% हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सारे कंपनी अपने 52-week हाई पे ही चल रहे हैं या फिर उसको क्रॉस करके रिकॉर्ड के हाई यहाँ पे बना रहे हैं। जितने भी फार्मा कंपनीज अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो उनके रिटर्न देख लेना दोस्तों, यहाँ पे 59%, 53%, 71%, 26%, 38%, 52%, उसी के साथ साथ 20%, 59%, 81%, 75%, सारे के सारे पॉजिटिव रिटर्न। ये पिछले एक साल के रिटर्न है। अगर 30 दिन के रिटर्न्स की बात करें तो वो भी आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारे के सारे आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। सो इसी भीड़ में वो एक कंपनी यहाँ पे छुपी हुई है जो कि शायद से अभी आने वाले कुछ दिनों में या फिर इस हफ्ते में ज़बरदस्त तेज हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फार्मा कंपनीज का परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि जितना कोविड बढ़ेगा उतना ये संकट बढ़ेगा, उतनी फार्मा कंपनीज़ के लिए, लैबोरेटरीज़ के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो एक ऐसा ही स्टॉक मैंने यहाँ पे देखा है कि लुरुस लैब जैसा ही, जो कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा कौन सा और एक कंपनी जो कि लैबोरेटरी से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है फार्मा सेक्टर में, वही कंपनी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्री फार्मा है, छोटी मोटी कंपनी नहीं निकाली है, लार्ज कैप की कंपनी है। PE की बात करें तो फार्मा का PE 34 तक जा चुका है, फिर भी ये कंपनी का PE 26 तक ही देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.17% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के रिसेंटली Q4 के नंबर्स देखें तो पॉजिटिव, नेट प्रॉफिट भी देखें तो पॉजिटिव, सेल्स प्रॉफिट सब में पॉजिटिविटी थी, क्योंकि फार्मा ने तो धूम मचाई है। एंड ये भी कंपनी लैब से ही रिलेटेड है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि लैब के बिजनेस बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, इसीलिए तो लुरिस लैब का जो रिजल्ट था वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये भी लैबोरेटरी से जुड़ी हुई कंपनी, इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आ सकता है, ऐसा अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ। कंपनी की रिटर्न की बात कर तो आपके सामने प्रोफाइल मैंने ओपन किया, निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में ये कंपनी है, तो कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। सारे रिटर्न्स के प्रोफाइल आपके सामने ज़बरदस्त, एंड 4 साल ही इस कंपनी को हुए, 5 साल भी नहीं हुए, 10 साल की तो बात ही छोड़िए। सो 4 साल में भी कंपनी ने 70% तक का मुनाफा दिया है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें पिछले 6 महीने से, अगर हम लोग बात करें 1 से 2 साल में, कंपनी ने और भी गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी इसमें 8% के आसपास है। फॉरेन निवेशक 3.5% की होल्डिंग रखते हैं। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो 21% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर
होल्डिंग की बात करें तो लगभग 3.5% की है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करें तो 21% से भी ज़्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव है तो आप देख सकते हैं, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे लगभग 3.5% के आसपास कम कर दी है, फॉरेन निवेशकों ने एंड म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम कर दी है। हालांकि इंश्योरेंस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, अदर DIs ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हिस्सेदारी बढ़ा ली है। सो ये तो डेटा हम लोगों ने देख लिया, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी को सिलेक्ट करने का अर्थ ही यही था कि ये फार्मा सेक्टर की जुड़ी हुई है एंड उसी के साथ साथ ये लेबोरेटरीज में भी एक कंपनी का हम लोगों को कामकाज करते हुए देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात करो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। शायद से ये कंपनी अभी नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट हो सकती है। इस हफ्ते आप लोगों को इस कंपनी को ज़बरदस्त ट्रैक करना है दोस्तों, गलत जा सकता है बट जैसे मैंने कहा कि स्टडी करने के लिए ज़रूर आप लोगों ने इसके ऊपर नज़र रखना है। फिलहाल अभी ये चल रही है 2656, पिछले शुक्रवार के दिन भी लगभग ये हम लोगों को 4.25% से ज़्यादा तेज़ होते हुए देखने को मिली, 111.10 मतलब 111 रुपये की जंप भी हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिली है। एंड ये लेबोरेटरीज से जुड़ी हुई कंपनी है तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे उछाल ज़रूर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इसी पॉसिबिलिटी क्यों है, इसके पीछे के राज क्या है, तो वो अभी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एल्केम की हम लोग बात करें, 7 अगस्त 2020 को इस कंपनी के हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। सो ज़रूर दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में हलचल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। जितने भी फार्मा कंपनीज थे अभी तक सभी के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आए हैं, क्योंकि बिजनेस ही चलेगा, आज चल क्या रहे, FMCG से भी ज़्यादा फार्मा तेज़ी से चल रहा है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, सबका दाम आप सभी लोगों को बताएं तो ऑब्वियसली फार्मा कंपनीज भागने ही वाले हैं। और ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि ये लेबोरेटरी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो शायद से ये भी कंपनी में आप लोगों को तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। 7 अगस्त को रिजल्ट है बट उससे पहले ही हम लोगों को यहाँ पे तेज़ी बनती हुई देखने को मिल भी सकती है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे 7 पैरामीटर्स लगाते हैं, उसी के टाइप में देख लेंगे। ज़्यादा आप लोगों को डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी की बात करें 2015 से ही है, बट जितना परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने दिया है शानदार ही दिया है, अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों ने रिटर्न का प्रोफाइल देखा था, सभी लोगों को ये कंपनी अभी प्रॉफिट दे रही है, इसका अर्थ भी आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि कंपनी अपने ऑल टाइम के हाई के करीब ही रहेगी। सो एल्केम की अगर हम लोग बात करें लेबोरेटरीज की, तो निफ्टी के इस पे आ चुके हैं, NSE के साइड पे आ चुके हैं, 2656 पे चल रही है, 52 एक हाई के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, 2656 एंड अगर इसका हाई है 2879, मतलब सिर्फ अगर हम लोग बात करें 150 से 200 पॉइंट का गैप यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो जिसके चांसेस 90% से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़रूर ये कंपनी ये लेवल तोड़ के 3000 तक भी जा सकती है। लो की बात करें तो 5 अगस्त 2019 मतलब पिछले एक साल लगभग आप पकड़ लेना, तब ये कंपनी 1600 पे चलती थी, आज ये कंपनी लगभग 2600 के आसपास आ चुकी है। उसी के साथ साथ अगर पिछले दिन की बात करें 31 जुलाई शुक्रवार के दिन की, तो 42% से ज़्यादा की डिलीवरीज इस कंपनी में उठाते हुए देखने को मिली है। कंपनी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर, तो कंपनी यहाँ पे रेगुलरली डिविडेंड देती है। 2020 की बात करें तो कंपनी ने 22 रुपये का 3 रुपये का ऐसे 2 बार डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। 2019 की भी बात करें तो कंपनी 8-8, 16 रुपये का डिविडेंड देती थी, इस वक्त तो 22+3, 25 रुपये का डिविडेंड, मतलब डिविडेंड बढ़ा के मिल रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस फार्मा कंपनीज यहाँ पे बाजार में कर रही है। अभी की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 62% के आसपास देखने को मिल रही है, एंड कितने शेयर्स गिरवी है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई भी शेयर हम लोग को गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे फार्मा कंपनीज दिखा रही है, तो इस कंपनी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको ट्रैक में ज़रूर लगाना है। जो लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, हालांकि मैं कभी भी आप लोगों को बिगनर्स को ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मैं कभी भी मना ही करता हूँ, अलाउड नहीं करता हूँ, बट जो लोग एक्सपर्ट है चाहे तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजर्व्स की बात करें तो 4800 करोड़, 5400 करोड़, 6200 करोड़ की रिजर्व्स है, तो कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ कर्जा अगर कंपनी का देखा जाए तो यस, 500 करोड़ का कर्जा लगभग यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 1200 करोड़ का टोटल डेब्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि एक ड्रॉबैक है, ये आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्जा को आप इग्नोर कर दो, ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए, बट कंपनी का परफॉर्मेंस देख के कंपनी और भी अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा कमाएगी तो शायद से कर्जे को भी चुकता कर सकती है। कैश एंड बैंक बैलेंस 278 करोड़, 397 करोड़, 765 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि ज़बरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कर्जा कंपनी के डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी पूरी की पूरी बर्बाद होगी, ये भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए।
सो दोस्तों, वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके इस चार्ट पैटर्न के ऊपर। एंड जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि निफ्टी फार्मा में एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, आप नाम देख सकते हो एल्केम यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, साइडवेज में, तो 2879 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका 52 वीक है जो कि 150 से 200 रुपया के गैप में देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी ने क्वार्टर वन के नतीजे आउटस्टैंडिंग दे दिए तो समझ लेना कि इस लेवल पे भी कंपनी पहुंच सकती है एंड इसको क्रॉस करके 3000 के लेवल भी अचीव कर सकती है। बाकी सारी कंपनीज ने ऐसे ही परफॉर्मेंस दिया एंड ये अगर हरे निशान में नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है। आप साइड में ही देख सकते हो कंपनी ने एक साल में 52% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, पिछले 30 दिन में लगभग 12% के रिटर्न दिए। सो ये भी आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। बट ये कंपनी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये कंपनी से रिलेटेड ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने यहाँ पे बना लिया है। सो बिल्कुल भी इस कंपनी को अभी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जरूर सिर्फ स्टडी करने के लिए भी आप लोग इसके ऊपर नजर रख सकते हो। जरूरी नहीं कि हर वक्त पैसों की ही बात की जाए, बट इसके ऊपर अभी आप लोगों ने डिटेल एनालिसिस भी करनी चाहिए और कुछ जानकारियां हासिल हो सके तो आप लोगों ने वो प्राप्त करनी चाहिए एंड यहाँ पे इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। 7 अगस्त अगर मैं गलत नहीं तो फ्राइडे का दिन इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस कंपनी के तब रिजल्ट आने वाले एंड अभी तक जितने भी फार्मा कंपनीज के रिजल्ट हैं वो शानदार ही देखने को मिले हैं। सो आशा करते हैं कि इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शायद से 3000 भी क्रॉस कर पाएगी। मेरा वीडियो देख के बिल्कुल भी मोटिवेट मत होना कि ऐसा ही होगा करके, कोई गारंटी नहीं है। रिजल्ट खराब आ गए तो ये तेज़ी से गिर भी सकता है क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स ने ऑलरेडी एक बड़ा बेंचमार्क यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक नई कंपनी के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा। मेजॉरिटी में बात करो, कुछ लोगों को जरूर पता होगा, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड हाँ, वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस कहना चाहूँगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि ये 2600 के 3000 हो जाएंगे, बट जिस टाइप का परफॉर्मेंस है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये उस लेवल पे यहाँ पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो एक हम लोग कहते हैं ना कि इनके भी पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि ये भी जब रिजल्ट पेश करेंगी तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट शायद से पेश कर सकते हैं, डबल से ट्रिपल गुना रिटर्न यहाँ पे ला सकते हैं क्योंकि पहले कोविड नहीं था एंड अभी कोविड के वजह से इनका बिजनेस 2 से 4 गुना भी बढ़ सकता है। सो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रख लेना, शायद से आप लोगों को ये 2600 का स्टॉक बाद में 3000 को भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।